नमस्कार, मैं रचना, आप देख रहे हैं मीडिया विजन न्यूज। हिमाचल प्रदेश में शनिवार सुबह से सरकारी और निजी अस्पतालों के डॉक्टर 24 घंटे की पैन डाउन स्ट्राइक पर चले गए हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले को लेकर डॉक्टरों में आक्रोश है। हड़ताल से प्रदेश भर में ओपीडी सेवाएं प्रभावित हैं, हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी हैं। इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल शिमला में शनिवार सुबह ना तो ओपीडी चली और ना ही रूटीन के ऑपरेशन हुए। प्रदेश के अन्य जिलों में भी डॉक्टर हड़ताल पर हैं। आईजीएमसी के उपाध्यक्ष डॉक्टर पुनीत महाजन ने कहा कि शनिवार को पूरी तरह काम बंद रखा गया है। कहा कि कोई आपात स्थिति होगी तो उस मामले में डॉक्टर अपनी पूरी सेवाएं देंगे। मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के डॉक्टरों ने कड़ा विरोध जताते हुए पैन डाउन स्ट्राइक शुरू कर दी है। इस दौरान प्रशिक्षु डॉक्टरों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। मेडिकल कॉलेज परिसर से गांधी चौक तक रैली निकाली गई और महिला डॉक्टर को न्याय दिलाने की मांग की गई। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशक ने शिक्षण कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट समय पर जमा करने के संबंध में राज्य भर के सभी उपनिदेशकों को चेतावनी पत्र जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द एसीआर जमा नहीं करवाने वाले डिफाल्टर अधिकारियों की वार्षिक वेतन वृद्धि को रोक दिया जाएगा। अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय ने चौक ने काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक 20 अगस्त तक छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नीट पेपर लीक के चलते करीब 2 माह से अटकी MBBS और BDS की ऑनलाइन काउंसलिंग आखिर शुरू कर दी गई है। काउंसलिंग नीट प्रवेश परीक्षा 2024 की मेरिट के आधार पर शुरू हुई है। हिमाचल के 6 मेडिकल और 4 डेंटल कॉलेजों में MBBS और BDS की 1015 सीटें भरी जाएंगी। शिमला, सोलन, सिरमौर और किन्नौर जिले के युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती रैली 3 सितंबर से मिलिट्री स्टेशन अवेरीपट्टी में होगी। शिमला की भर्ती निदेशक कर्नल पुष्पिंदर कौर ने बताया कि उन उम्मीदवारों को शारीरिक परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं जिन्होंने ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नदौन के खरीड़ी मैदान में बन रहे बहुउद्देशीय खेल परिसर का शनिवार को शिलान्यास किया। सीएम का नदौन पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान काफी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता तथा नेता उनके साथ मौजूद रहे। इस खेल परिसर के निर्माण के बाद कई तरह की खेल गतिविधियां यहां पर होंगी। इस खेल परिसर का 20% काम पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि उन्होंने तय किया था कि जब इस बहुउद्देशीय खेल परिसर का 20% काम पूरा हो जाएगा तब शिलान्यास करेंगे।